मैं मुखिल तो नहीं हुआ सर? तुम कब मुखिल नहीं होते कमाली? सर मैं आपका नौकर हूं और नौकर का काम 24 घंटे मालिक की खिदमत करना होता है। बोलो क्या कहना चाहते हो? सर इतनी खूबसूरत शाम है और आप यहाँ तनहा बैठे हैं। अगर आप इजाजत दें तो किसी क्लब में या किसी 7-स्टार होटल में आपकी मेंबरशिप करवा दूं, या अगर आपका डिनर का इरादा हो तो स्कॉट तैयार करवाऊं। मुझे तन्हाई बहुत पसंद है कमाली। ये हजूम और भीड़ भाड़ से कतराता हूँ। लेकिन सर अगर चाहने वाले शनासा इर्द गिर्द हो ना तो दिल बहल जाता है, तन्हाई का एहसास खत्म हो जाता है। तन्हाई के एहसास को ख़त्म करने की ज़रूरत क्या है? इंसान तन्हा है इस दुनिया में, उसने तन्हा वापस जाना है। ये दरमियान की मसरूफियत, ये सब ढकोसला है। लेकिन सर सेठ रहमान के रिसेप्शन पे तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये डिनर सिर्फ और सिर्फ आपके एजाज में रखा है। मेरे एजाज में? मैं तो उससे जानता भी नहीं। लेकिन सर वो आपको जानते हैं, इस शहर का सारा बिजनेस सर्कल पीज़ा एंड मीर से मिलने के लिए बेचैन है, उनके काम फंसे हुए हैं, उनके टेंडर्स हैं, और वो सब बहरोज आपके जानशीन से मिलना चाहते हैं। मैं उनका जानशी होने का अहल नहीं। वो सुल्तान इब्ने सुल्तान थे, मैं गुलाम इब्ने गुलाम। खुद को उनका गुलाम ही साबित कर लूँ बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तुम्हें मैंने गार्डन टावर के अपार्टमेंट का कहा, क्या हुआ उस काम का? वो काम तो हो गया सर, लेकिन इतने बैकवर्ड इलाके में आपका फ्लैट खरीदना कुछ समझ नहीं आया सर। सुबह सबसे पहले उसी इलाके में जाएंगे। और ये गाड़ियों की भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है, दो गाड़ियां बहुत होंगी। अकबर से कहना तैयार है। ठीक है सर,